केंद्र सरकार द्वारा अनन फानन में लाई गई अग्निपथ योजना से देश के युवाओं को ठगने एवं दिग्भ्रमित करने का जो कुप्रयास किया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी उसका विरोध शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए आज के दिन भारत वर्ष के सभी विधानसभा में सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया। उसी कड़ी में चंदन क्यारी विधानसभा के चंदन क्यारी बाईपास स्थित अम्बेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष चंदन क्यारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा देवाशीष मंडल के अध्यक्षता में सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवाशीष मंडल ने बताया कि मोदी सरकार देश के युवाओं को नौकरी देने में अपनी विफलता को छुपाने के लिए दिशाहीन अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं को आग में झोंकने का काम किया है, जो निंदनीय है। सैन्य क्षेत्र में काफी रिक्तियां हैं, जिसमें नियुक्ति हेतु युवाओं का परीक्षा लेकर रिजल्ट या नियुक्ति न देना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि मोदी सरकार देश के युवाओं के लिए कितना हमदर्द रखती है। जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने बताया कि जब तक यह योजना वापस नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा और गांव देहात के युवाओं को अग्निपथ योजना के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सलाह दें। पूर्व जिला अध्यक्ष रमा राउत जी ने बताया कि देश राजतंत्र चल रहा है, किसी तरह का विचार विमर्श किए बिना मोदी जी देशवासियों पर अपना फरमान जारी कर रहे हैं और देशवासी परेशान हो रहा। इनका हर योजना दिशाहीन है, पहले लागू करते हैं और बाद में बदलाव करते हैं। जब तक अग्निपथ योजना रद्द नहीं होता कांग्रेस युवाओं का हर शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन करेगी। बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। 11 लाख जी, मैं पूछता हूँ कि 11 लाख रुपया से उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, आप बताइए। आज के महंगाई के दौर में 11 लाख रुपया में क्या बनता है? 4 साल के बाद उसके साथ तो कोई भविष्य नहीं है, उसको तो कहीं नौकरी की गारंटी नहीं है, उसको दवाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिस्थिति में देश के साथ धोखा है। और इससे आप एक बात समझ जाइए, इससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो है सेना में देश सेवा के लिए जाते हैं, और जब 4 साल का नौकरी के बाद सेना का भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा? आज जो आज हम सुख और चैन के नींद सोते हैं, ये सेना के बदौलत है। हमारी देश के सुरक्षा में जब सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है। आज देश का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या ये योजना अडवानी और पूंजीपतियों का जो है, इसके यहाँ क्या ये दरबारी करेंगे 4 साल के बाद? क्या उसे 4,000 रुपया का नौकरी दिया जाएगा? यही भविष्य यहाँ का नौजवानों का? मैं पूछना चाहता हूँ, सेना में जो लोग जाते हैं वे बहुत ही फिटनेस रहते हैं, बहुत ही दौड़ धूप के बाद अपना शरीर को आग में तपा के जो है तैयार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये सरकार से, ऐसे नौजवान विशेषकर गरीब तबके के लोग जो है किसान परिवार के लोग ही सेना में जाते हैं, कोई बड़े लोगों का बेटा सेना में नहीं जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे नौजवान अपना भविष्य को जो सेना में जाकर देश का भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, क्या वो अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वह अपना भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके पास इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि वह अपने गांव जाकर अगर किसानी का काम करेंगे, 1 बीघा जमीन पर अगर सिंचाई का संसाधन करके अपना खेती करेंगे तो 12 लाख रुपया का बात करते हैं आप। 2 बीघा पर अगर खेती करेंगे अपना परिश्रम के बल पर तो साल में 5 लाख रुपया कमाएंगे। मैं बताता हूँ मोदी सरकार की दिशाहीन अग्निपथ योजना जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, उस योजना के विरोध स्वरूप आज हम लोग चंदन क्यारी विधानसभा में अम्बेडकर जी के मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर उसका विरोध जता रहे हैं और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये विनाशकारी अग्निपथ योजना को वापस लें, ताकि युवाओं जिस उम्मीद के साथ देश सेवा करना चाहती है उस पर उसे देश सेवा करने की जो भावना है उसको प्रोत्साहन दें और इस तरीके का गलत योजना थोप कर देश को अस्थिर करने का जो मंशा है
ये मानसा वापस लें, यही कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना का विरोध करती है? निश्चित रूप से करती है, इसलिए कि ये देश की भविष्य के साथ छल हो रहा है। जो युवा 17 साल के उम्र में 18 साल के उम्र में 4 साल सेवा के लिए जाएंगे और उनके हाथ में उनको प्रलोभन स्वरूप जो राशि दिखाई जा रही है कि हम अंत में 11 लाख रुपया देंगे, तो एक 11 लाख रुपया का है। एक युवा जो अभी तक सबल नहीं हुआ, जो मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ, जो अपना भविष्य के बारे में सही रूप से जान नहीं सका, उसके हाथ में अगर 11 लाख रुपया दे दिया जाए, इसका मतलब है कल वो युवा दूसरे लाइन पर चले जाएंगे, वो देश का सुरक्षा क्या करेंगे, वो लास्ट में वो अपना भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं युवा पीढ़ी के हाथ में पैसा आने से, युवा पीढ़ी किस तरीके से अपना रास्ता को बदल लेते हैं और उस चीज़ का आकलन करके लेकिन सरकार देश का भविष्य हो, युवा हमारा भविष्य है, युवाओं का भविष्य के साथ में केंद्र सरकार जो खिलवाड़ कर रहा है, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसका विरोध करती है और ये योजना जब तक वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी अपना चरण बदल। आपकी सरकार है, आपकी सरकार द्वारा ये भी फरमान जारी किया गया था कि यहाँ के बेरोजगारों को स्नातक को कहने के बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने का काज करेंगे, ये सरकार इस बाधा के खिलाफ ही साबित हुई है, इस संदर्भ में आपका क्या विचार? देखिए, सरकार सत्ता में आने के पश्चात ही हम लोग कोरोना की लड़ाई में 2 साल हम लोग बड़ा अस्त व्यस्त थे। आर्थिक दृष्टि से निश्चित रूप से हमारा राज्य कमज़ोर हुआ और हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने कार्यक्रम है जो पार्टी के एक समर्पित हम लोग अनुशासन सिपाही हैं, प्रदेश से निर्देश था कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हम चौक चौराहे पर अपने धरना का कार्यक्रम होगा, उसी के तहत आज हम लोग चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में यहां पर धरना पर बैठे हैं। ये प्रदेश का जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। 2 शब्द में अगर कहने की बात कहेंगे तो जिस तरह का मौजूदा हाल में किसानों के साथ क्या हुआ पूरा देश देख रही थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना लाती है उसके बाद उसको सफाई देने के लिए क्यों आना पड़ता है? अगर योजना अच्छी लाती तो किसान खुश हो जाते। एक तरफ किसान बेहाल है, दूसरे तरफ नौजवानों को भी बेहाल करने की कोशिश किया गया। कांग्रेस पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो सबों को एक साथ में लेकर चलने के लिए जिस तरह का आज़ादी से लेकर अभी तक जो सींचने का काम कांग्रेस पार्टी ने काम किया है वो बैठी नहीं रह सकती है नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ के होने पर। हम आगे भी चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वो कौन व्यक्ति हैं 4 जो देश को चला रहे हैं? वो 4 व्यक्ति, ये बात को हम लोग महसूस कर सकते हैं हम भी और आप भी कि 4 व्यक्ति हैं जो देश को चला रहे हैं। 2 व्यक्ति बेचने में मशगूल है और 2 व्यक्ति खरीदने में मशगूल है। ये आपको तय करना होगा, देश को तय करना होगा कि हमें लगता है कि दुर्भाग्य है। देश चलाना एक अलग बात था, शासन करना एक सेवा करना एक अलग बात था जो कांग्रेस से सीखना पड़ेगा। मौजूदा हाल में जो है वो व्यवसायकरण के रूप में इस देश को देखा जा रहा है, इसीलिए ये हाल हो रही है। निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे कि कुछ नेताओं ने कहे थे कि जो सेना है ये रोजगार का साधन नहीं समझे इसको, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार में बैठी हुई है उनको जो हमारे सांसद है और जो हमारे विधायक है इसका जो भी इसका सैलरी है इसको पहले बंद कर देना चाहिए अगर सेवा करने की बात बोल रहे हैं। लेकिन उसको क्या पता उस गरीब के घर में जाके पूछा जाए कि एक सेना में भर्ती होने के लिए उसका क्या पूरे परिवार का सपना होता है और कितना कठिन परिश्रम होता है, वो उस गरीब का ही बेटा बता पाएगा। और गरीब के बेटा का, गरीब नौजवान का जिस तरह का सपना चकनाचूर हुआ है आने वाला समय में केंद्र सरकार को भुगतनी पड़ेगी।